जय हिंद। आज के टॉपिक पे हम माइनर कॉन्ट्रैक्ट यानी अवयस्क संविदा के बारे में जिक्र करेंगे, जो कि जुडिशियल मेंस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, चाहे सिविल जज हो या डिस्ट्रिक्ट जज। तो सबसे पहले देखते हैं कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट या अवयस्क संविदा किसे कहते हैं। तो अवयस्क संविदा को आपको बता दें कि वो संविदा होता है जिसमें एक पक्षकार की उम्र 18 साल से कम है, यानी 18 ईयर्स से कम होने की वजह से वो माइनर कॉन्ट्रैक्ट यानी अवयस्क संविदा हो जाती है। तो फ्रेंड, हम इसमें देखेंगे कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे वॉइड मानी जाती है, ठीक है, आज भी मानी जाती है, पहले भी मानी जाती थी, लेकिन इसके कुछ इफेक्ट आ गए हैं और कुछ अपवाद आ गए हैं, जहाँ पर माइनर कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सिबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ कराया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर बताया गया है और इसके क्या आवश्यक तत्व है। तो कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए, संहिता को समझने के लिए हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जाना पड़ेगा, ठीक, जो कि सेक्शन 10 ये कहता है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट मतलब कि जिसमें एक ऑफर हो और एक्सेप्टेंस हो और कोई प्रतिफल हो, ठीक है, यानी कि प्रस्ताव हो, उसकी स्वीकृति हो और प्रतिफल अगर हो जाता है तो वो करार हो जाता है। वो करार अगर इन्फोर्स्ड बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है अंडर सेक्शन 2H, ठीक। तो सेक्शन 10 में कुल 5 एसेंशियल्स दिए गए हैं, जो कि बताते हैं कि एक संविदा को होने के लिए 5 आवश्यक तत्व होना जरूरी है। सबसे पहला है कि अपार्ट फ्रॉम ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के सिवाय ये होना चाहिए कि जो पक्षकार इसमें ऑफर एक्सेप्टेंस कर रहे हैं उनका फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट का मतलब ये है, जो कि सेक्शन 13 में कंसेंट दी गई है, जो कि कंसेंट का मतलब होता है जब दो पक्षकार एक ही पॉइंट पे सेम थिंग और सेम सेंस में कंसेंट करते हैं, सहमत होते हैं, तो उसे कंसेंट कहा जाता है। फ्री कंसेंट मतलब होता है जो सेक्शन 14 दिया हुआ है कि ऐसा सहमति जो है न तो कोर्शन के द्वारा सेक्शन 15, न ही अंडू इन्फ्लुएंस के द्वारा सेक्शन 16, न ही फ्रॉड के द्वारा जो सेक्शन 17 में दिया हुआ है, और न ही मिसरिप्रेजेंटेशन हो जो सेक्शन 18 में दिया हुआ है, या मिस्टेक ऑफ लॉ या फैक्ट या सेक्शन 20, 21 और 22 कहा गया है। तो अगर इन चीज से ग्रसित नहीं है तो भी फ्री कंसेंट कहलाए। ये पहला एसेंशियल है संविदा के लिए, ठीक। दूसरा है कि उसमें जो पार्टी है दे शुड बी कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब यहाँ पर ये है कि सेक्शन 11 में डिफाइन किया हुआ है कि कॉम्पिटेंट कौन होंगे, सक्षम कौन होंगे। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कि वो पक्षकार जो कि मेजोरिटी हो, यानी जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो। दूसरा कि वो पक्षकार साउंड माइंड का हो, ठीक है। साउंड माइंड का मतलब आपको बता दें कि यहाँ पर जो पागल व्यक्ति है वो भी यहाँ पर एलिजिबल है, अगर उसका जो मेमोरी है वो शॉर्ट टर्म लॉस से ग्रसित हो रहा हो, यानी कि थोड़े समय के लिए मेमोरी लॉस हो जाता है, फिर मेमोरी गेन हो जाती है। जिस समय संविदा की जा रही है अगर उस समय उसका माइंड साउंड है तो वो संविदा वैलिड कहलाएगी, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि पागल व्यक्ति भी सक्षम पक्षकार हो सकता है अगर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान उसका माइंड साउंड हो, ठीक है, उसके बाद भले ही अनसाउंड हो जाए, ठीक है। तो जो साउंड माइंड है वो सेक्शन 12 में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और तीसरा है कि जो पक्षकार एक संविदा कर रहा है दैट शुड नॉट बी डिबार्ड बाय एनी लॉ, किसी कानून के अंतर्गत उसे प्रोहिबिट ना किया गया हो कि संविदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है कॉम्पिटेंसी, जो कि अभी हम इस टॉपिक को और आगे डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही हमारा टॉपिक, ये जो एसेंशियल है कॉम्पिटेंसी, इसी पे आधारित है आज का वीडियो, ठीक। और नेक्स्ट है जो तीसरा एसेंशियल है वो है कि लॉफुल कंसिडरेशन, ठीक है। कंसिडरेशन यानी कि चाहे वो कैश हो, चाहे काइंड हो, या एनीथिंग विच हैज वैल्यू इन द आईज ऑफ लॉ, कोई भी प्रतिफल होना मस्ट है यहाँ पर, नहीं तो सेक्शन 25 से बाहर कर देंगे। सेक्शन 25 क्या कहता है कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, यूजली वॉइड होता है,
प्रोवाइडिंग के तीन एक्सेप्शन है उसको छोड़ करके, ठीक है, वो हम अगले टॉपिक पे, अगले वीडियो पे आपसे बात करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ माइनर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उससे संबंधित जो प्रावधान है हम उस पर जिक्र करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करें कि यानी कि विधिक उद्देश्य होना चाहिए, जो कि सेक्शन 23 में दिया हुआ है कि किसी भी एग्रीमेंट में या करार में जो ऑब्जेक्ट और लॉफुल है वो तभी होगा जिसमें वो छह कंडीशन ना आ रही हो, जो कि सेक्शन 23 में दिया हुआ है कि अगर इस छह कंडीशन अगर आ रही है तो वो अनलॉफुल हो जाएगा, लॉफुल नहीं होगा। तो यानी कहने मतलब है ऑब्जेक्ट लॉफुल तब होगा जब ऐसा उद्देश्य जो है पहला फॉरबिडन बाय लॉ से ना हो, यानी किसी लॉ के द्वारा फॉरबिडन ना हो, ठीक है, ना ही फ्रॉडुलेंट हो। तीसरा इमोरल नहीं होना चाहिए। चौथा अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। पांचवा कि इट शुड नॉट बी बार्ड एनी प्रोविजन ऑफ लॉ, किसी भी कानून के प्रावधान को उल्लंघन ना कर रहा हो। और लास्ट है इट शुड नॉट डिफीट और डैमेजेस एनी लाइफ और प्रॉपर्टी, यानी किसी पर्सन और प्रॉपर्टी को ऐसा उद्देश्य जो है वो अफेक्ट ना कर रहा हो, उसको डैमेज ना कर रहा हो। अगर इच्छे ग्राउंड नहीं है तो ऐसा ही ऑब्जेक्ट या उद्देश्य लॉफुल कहलाता है, ठीक है। और लास्ट है कि ऐसा एग्रीमेंट शुड नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड बाय एनी लॉ, ऐसा जो करार है जो सेक्शन 2E में डिफाइन हुआ है, ऐसा करार जो है किसी भी कानून यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत वो वॉइड डिक्लेयर ना हो। वॉइड का मतलब है जैसे सेक्शन 20 ऐसा करार किया गया है कि जिसमें दोनों पक्षकार को पता नहीं था कि जिस चीज़ की समझा हो रही है वो अस्तित्व में है भी कि नहीं है, ठीक है, यानी मिस्टेक ऑफ फैक्ट दोनों के द्वारा हो रहा है, दोनों जानकारी नहीं थी, तो सेक्शन 20 में वॉइड हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 24 जहाँ पर पार्ट कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल है, तो उसमें भी जो है सारा एग्रीमेंट वो वॉइड हो जाता है। उसके बाद 25 एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन है तो वो भी वॉइड होगा। 26 एन एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ मैरिज वॉइड। 27 एन एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ ट्रेड वॉइड। सेक्शन 28 एन एग्रीमेंट इन इंस्टेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉइड। सेक्शन 29 एन एग्रीमेंट अनसर्टेंटी, अगर अनसर्टेंटी से रिलेटेड है तो डेट इज ऑल्सो वर्ड, एक निश्चिंता ही नहीं है करार की जा रही है तो वही वर्ड। एंड 30 एन एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेगर, ठीक है, वो भी वर्ड है। उसके बाद सेक्शन 36 है एन एग्रीमेंट फॉर कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर इम्पॉसिबल एक्ट, तो वो भी वर्ड। एंड लास्ट है सेक्शन 56 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन एन एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट, असंभव कार्य करने के लिए एग्रीमेंट के लिए, तो वो भी वर्ड हो जाए। यानी कि ऐसे प्रावधान के द्वारा अगर कोई एग्रीमेंट वॉइड है तो डैट इज ऑल्सो नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सेक्शन 20 के पांच एसेंशियल जो कि होना मस्ट है। इनमें से हम मेन एक उठाएंगे वो है कॉम्पिटेंसी, ठीक है। तो कॉम्पिटेंसी में पहले बताया कि सेक्शन 11 में डिफाइंड है, कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि पार्टी जो है वो मेजर हो, साउंड माइंड हो, और तीसरा सच पर्सन शुड नॉट बी डिबार्ड बाय एनी लॉ टू विच ही सब्जेक्ट और शी सब्जेक्ट, जिस कानून से गवर्न हो रहे हैं उस कानून के द्वारा बार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये तीन चीज एसेंशियल मस्ट है। अब सवाल ये है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट में जो खास एसेंशियल सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 30 तक में दी गई है वो कहीं भी दिख नहीं करता कि अगर ऐसा कोई संविदा हो जाए जिसमें एक पक्ष का माइनर है, अवयस्क है, तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या ऐसा करार वॉइड होगा, सुन होगा, वॉइडेबल होगा, सुनकर नहीं होगा, अनलॉफुल होगा, अगेंस्ट लॉ हो जाएगा, गैर कानून हो जाएगा, या क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बाद में वो माइनर अगर मेजर हो जाता है तो उसको रेटिफाई कर सकता है, इसके बारे में कोई जानकारी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दी गई है कि ऐसे संविदा का क्या होगा, ठीक। तो सेक्शन इस उलझन को दूर करने के लिए 1903 में एक केस आया मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष। प्रिवी काउंसिल ने इस मुकदमे के माध्यम से एक लॉ लेट डाउन किया कि कोई भी एग्रीमेंट विद अ माइनर रिटेटेड एज वर्ड एब इनिशियो, यानी कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जब से बना है तब से वो शून्य माना जाए, ठीक है। थोड़ा सा फैक्ट बता धर्मदास घोष के मामले में कि धर्मदास घोष जो है यहाँ पर एक माइनर है, मोरी पीबी जो है ये मनी लेंडर की वाइफ है,
क्योंकि जब ये मुकदमा चल रहा था उसमें मनेंद्र का देहांत हो जाता है, उसकी वाइफ है मोड़ी दी थी, ठीक है, धर्मोदास घोष माइनर, ठीक। हुआ क्या था कि जब वो माइनर था तो अपनी माँ के माध्यम से उसने एक जमीन को मॉर्गेज किया और उससे मनी लेंडर से जो उसने पैसे ले लिए, ठीक। जब पैसे वापस करने की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 8,000 रुपये उस समय के हिसाब से दिया, बाकी पैसा नहीं दिया, और ये कहकर के मुकर गए कि भाई मैं माइनर हूँ इसलिए मेरे साथ जो भी संविदा हुई है वो नल एंड वर्ड है और मेरी कुलालिटी नहीं बनती। तो धर्मदास घोष की माँ ने एक केस किया, आगे जब केस आया तो मैं लेंडर का देहांत हो गया और उनके बंधु उनकी डिजीज्ड वाइफ यानी मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के नाम पे ये केस पुटअप हुआ। और वहाँ पर भी काउंसिल ने ये हेड किया कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के द्वारा होता है दैट इज टर्म एज वर्ड एट फिनिश, ठीक है, और माइनर की लाइबिलिटी वहाँ पर समाप्त कर दी। तो फिर फर्दर जो है केसेस में क्या हुआ कि एक इफेक्ट इस पर देखा गया कि अगर मान लीजिए ऐसा केस ऐसा एग्रीमेंट करार हो जाता है तो फिर ऐसे का प्रभाव क्या पड़ेगा माइनर को। तो हम आपको तीन इफेक्ट बताएंगे पहले, उसके बाद इसके अपवाद पे जाएंगे। याद रखिएगा मोरी बीवी केस के केस में जो भी हेल्ड किया गया कि वर्ड होता है इनिश होता है, लेकिन कुछ ऐसे अपवाद को बताएंगे जहाँ पर ऐसे भी संविदा को टोटली वर्ड नहीं माना जाता बल्कि उसे इम्प्लीमेंट या एनफोर्स कराई जा सकती है। ये अलग सर्कमस्टेंसेस है, करीब 8 ग्राउंड है, अपवाद है जहाँ पर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट का पालन कराया गया है हमारे इंडियन लॉ के द्वारा। सबसे पहला इफेक्ट ये पड़ा कि ये कहा गया कि अगर माइनर ने कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के द्वारा अगर हो जाता है, ठीक है, तो उसमें माइनर कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं माना जाएगा टोटली, लेकिन इतना जरूर है कि अगर उसने कोई वचन दे दिया है और उस वचन के दौरान कोई कार्य अगर हो जाता है तो उसके लिए माइनर जो है वो रूल ऑफ स्टॉपेज जो सेक्शन 15 ऑफ द इंडियन रिवीज एक्ट है वो लागू उन पर नहीं होगा। पहली बात, रूल ऑफ स्टॉपेज पे लागू नहीं होगा, ठीक। नवाज सदिक अली वर्सेस जैक किशोर का केस है जिसमें हेड किया गया है कि माइनर को कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके दौरान कोई वचन दे देता है तो उस पर रूल ऑफ स्टॉपेज लागू नहीं होता है। दूसरा फैक्ट ये होगा कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में माइनर है और माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी या ऑब्लिगेशन अगर आ रही है, ठीक है, तो फिर ऐसे ऑब्लिगेशन लायबिलिटी के लिए हम किसी माइनर को पर्सनली लायबल ठहरा नहीं सकते, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हम माइनर को नहीं मान सकते। इस केस में मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में वर्ड ऑफ इनिश माना जाए, खासकर तब जब माइनर के ऊपर कोई लायबिलिटी लाई जा रही है, कोई डेट लाई जा रही है, क्योंकि कोई भी लायबिलिटी जो है माइनर पर पर्सनली थोप नहीं सकते क्योंकि वो माइनर है, इसलिए जो भी उसने कहा जो भी उसने किया उसके लिए हम पर्सनली उस पर लायबल नहीं कर सकते। लेकिन बाद के केसेस में आप देखेंगे कि माइनर भले ही लायबल ना हो, ठीक है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अगर उसके नाम पे है तो वो लायबल हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर उसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं है तो इस केस में प्रोटेक्शन माइनर के फेवर में ही जाएगा और पर्सनली उसको लायबल नहीं ठहराया जाएगा, ठीक। तीसरा है कि राइट टू रेस्टिट्यूशन जो सेक्शन 64 कहता है कि अगर किसी पक्षकार के एक्ट की वजह से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाए, स्वीकारनीय हो जाए, तो दूसरी पक्षकार जो है वो अपना पार्ट करने को लिए बाध्य नहीं है, ही शी इज नॉट बाउंड, ठीक है। और जो ग्रसित व्यक्ति है अगर कोई बेनिफिट लिया गया है इस वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट से तो वो उसे वापस कर दी जाएगी। 65 कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है तो वो वापस कर दी जाएगी। तो याद रखिए कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट पे सेक्शन 64 और सेक्शन 65 चाहे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो दोनों ही लागू नहीं होगा। लेकिन एपेक्स कोर्ट ने जगन्नाथ सिंह वर्सेस लाता प्रसाद के केस में सेक्शन 33 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को ये ध्यान में रखते हुए कहा है कि सेक्शन 33 ऑफ द रिलीफ एक्ट को यहाँ पर एप्लीकेबल बनाया जाएगा जहाँ पर माइनर ने अपनी माइनॉरिटी को छुपाते हुए अपनी प्रॉपर्टी बेचा और उसे पैसे प्राप्त कर लिया, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बायर
को प्रॉपर्टी वापस करनी होगी और उसके बदले माइनर ने जो पैसा लिया है वो पैसे उसे वापस करने होंगे, ठीक है। ऑन द कंडीशन कि जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस समय बायर को पता नहीं था कि माइनर का उम्र 18 साल से कम है, ठीक है। अगर उसे पता है जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तब उसे बायर को जो है पैसे वापस नहीं होंगे। तो याद रखिएगा कि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 33 अप्लीकेबल तभी होगा जब कॉन्ट्रैक्ट के दौरान एक पक्षकार को पता हो कि अपोजिट पार्टी जो है मेजर है। अगर उसे पता नहीं था कि अपोजिट पार्टी मेजर नहीं है तब तो उसे मिलेगा, लेकिन उसे पता था कि अपोजिट पार्टी जो है माइनर है उसके बावजूद कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फिर उसे कोर्ट से कोर्ट रिलीफ नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट में अब ये आज की डेट में इंडियन लॉ ने ये हेल्ड कर दिया है कि अगर माइनॉरिटी के आधार कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और अदर पार्टी को पता नहीं है तो उसे सेक्शन 33 के अंतर्गत जो भी कंपनसेशन होगा और रिम्बर्समेंट होगा वो दिलाई जाएगी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत, न कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत। अब हम मेन चीज पे आते हैं, वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब ये है कि अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट माइनर के द्वारा हो जाता है तो फिर उसका क्या अपवाद है। यानी कि याद रखिएगा कि जो मोरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के केस में जो लॉ लेट डाउन किया गया है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट इज वॉट एवर इश्यू, उसी चीज़ को मेंटेन करते हुए आगे अपवाद लाया गया है कि कुछ मामलों में ये वॉट एवर इश्यू नहीं होगा, इसको हम विधिवत पालन कराएंगे। जैसे सबसे पहला केस ये है कि अगर कोई माइनर है और कोई कॉन्ट्रैक्ट अगर होता है वो उसके पर्सनल बेनिफिट के लिए हो रहा है। याद रखिएगा अगर बच्चे के भलाई के लिए कोई एक्ट की गई है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की गई है, तो वो उसे हर कीमत पर इन्फोर्स कराई जाएगी, ठीक है। जैसे एक ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी वर्सेस मदन लाल के केस में यह हुआ था कि माइनर के नाम पर प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को अगेंस्ट फायर आग से बचाने के लिए इंश्योरेंस कराया गया और उसमें जो बच्चा है बच्चे प्रॉपर्टी के बिहाव पे नेक्स्ट फ्रेंड के तौर पे उनकी माँ आती है, उन्होंने इंश्योरेंस कराया और प्रीमियम जमा किया, ठीक है। अब प्रीमियम जमा करने के बाद क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश उस संपत्ति में आग लग जाती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर संपत्ति डिस्ट्रॉय हो गई, अब वो माइनर जब क्लेम करने जाता है तो ग्रेट अमेरिकन इंश्योरेंस ने ये कहा कि भाई सिंस कॉन्ट्रैक्ट माइनर है, माइनॉरिटी में की गई है, इसलिए मेरे को लायबिलिटी नहीं बनती। कोर्ट ने कहा नहीं, अगर माइनर ने अपने पार्ट कर दिया है और माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो उसे हर कीमत पर इन्फोर्स कराई जाएगी, ठीक है। और इसलिए ग्रेट इंश्योरेंस कंपनी को बात किया गया कि वो पूरा प्रीमियम जो भी सम अश्योर्ड था प्रॉपर्टी के अगेंस्ट फायर में वो पूरा पैसा जमा करे, ठीक है। पहला एक्सेप्शन तो ये है। दूसरा ये है कि अगर कोई माइनर, याद रखिएगा कि इसमें जो आपको अभी बताया है इस केस पे एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है, श्री काकुलम सुब्रमण्यम वर्सेस कुर्रा सुब्बाराव का केस है। इसमें भी ये चीज़ हेड की गई है कि अगर कोई व्यक्ति है और उसके दायित्व निभाने के लिए उसका ध्यान तो जाता है, उसके दायित्व निभाने के लिए आज के डेट में उसका बच्चा है और उसकी मिसेज है, पत्नी है, तो फिर पिता के दायित्व के लिए बच्चा और उसकी पत्नी दोनों ही जिम्मेदार होंगे, ठीक है। तो अपने पिता को डेब्ट के निभाने के लिए माइनर ने थ्रू हिज मदर एक प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया, ठीक है, उस पर वो लोन ले लिया, ठीक है। अब जब पैसे लौटाने की बात आई, संपत्ति लौटाने की बात आई, तो फिर मनी लेंडर ने कहा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट माइनर है, माइनॉरिटी में हुई थी, इसलिए वर्ड एवन इश्यू है, इसलिए हम इसको इन्फोर्स नहीं करा सकते। कोर्ट ने कहा नहीं, माइनर के बेनिफिट के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसे हम हर कीमत पर बात करेंगे और वो डेट इन्फोर्सबल, क्योंकि माइनर ने अपना काम कर दिया है, अब आपका काम करे तो आप मुकर नहीं सकते, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर माइनर ने अपना काम कर दिया, अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, तो अदर व्यक्ति जो अदर पार्टी है उसको इस बात की छूट नहीं मिलेगी कि माइनॉरिटी का डिफेंस लेकर के वो अपने पार्ट से मुकर जाए, उसके कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, उसे पूरा कराया जाए। नेक्स्ट है कि माइनर इज लायबल फॉर द टॉर्ट।
शॉर्ट का मतलब अपकृत, यानी कि अगर माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के दौरान कॉन्ट्रैक्ट के परिधि से बाहर चला जाकर के कोई काम करता है, उससे नुकसान होता है किसी अदर पार्टी को, तो माइनर लाइबल फॉर टॉर्ट। ठीक, इसमें एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है बर्नार्ड वर्सेस हिंगिस का। इसमें हुआ क्या था कि माइनर ने एक घोड़े को किराए पर लिया कि वो सिर्फ राइड करेगा, ठीक, लेकिन माइनर ने क्या किया, राइडिंग न करके अपने दोस्त को दे दिया और मित्र ने क्या किया, उस घोड़े को उछालना शुरू कर दिया जंपिंग पर्पस इस्तेमाल करने के लिए, जबकि घोड़ा जंपिंग के लिए सक्षम नहीं था, ही वाज नॉट फिट फॉर जंपिंग, और उससे घोड़े का देहांत हो जाता है। तो इसमें जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए माइनर लाइबल होगा। हाँ, याद रखिएगा, जहाँ पर माइनर की लाइबिलिटी आ रही है वहाँ वो पर्सनल लाइबल नहीं होगा, उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पर पर्सनल लाइबल, जहाँ पर लाइबिलिटी की बात आ रही है, जिम्मेदारी की बात आ रही है, निर्वहन की बात आ रही है, वहाँ पर माइनर खुद पर्सनल लाइबल नहीं होगा बल्कि उसकी संपत्ति लाइबल होगी। अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो फिर कोई लाइबिलिटी पे नहीं आएगी। नेक्स्ट केस है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप 1950, यानी कि अगर किसी माइनर को अप्रेंटिसशिप के दौरान कोई ट्रेनिंग दी गई है, उससे उसको फायदा हो रहा है और उस ट्रेनिंग की फीस के तौर पे माइनर को लाइबल किया जाए, नॉट पर्सनली, याद रखिएगा, क्योंकि अप्रेंटिसशिप है, उसको फायदा हो रहा है, अगर तो ठीक है, तो माइनर का जो भी ट्रेनिंग दी गई है उस पर जो भी हर्जाना या फीस आ रही है वो माइनर के प्रॉपर्टी से वसूली जाएगी, माइनर पर्सनली विल नॉट लाइबल। ठीक है, ये केस में हेल्ड किया गया है ट्रेनिंग रॉबर्ट वर्सेस ग्रे बैडमिंटन ट्रेनिंग में इस चीज़ को हेल्ड की गई है कि अगर अप्रेंटिसशिप के माध्यम से अगर माइनर को फायदा होता है तो माइनर शैल बी लाइबल थ्रू हिज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है अगर नेसेसिटीज सप्लाई टू अ माइनर, कोई आवश्यक चीज़ माइनर को सप्लाई की गई है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, कपड़े पहनने की हो, या रहने की कोई व्यवस्था कर दी गई हो, ठीक है, तो और उसे माइनर को उसके डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रहा है, उसके काम का आ रहा है, तो जो सप्लायर है वो माइनर की प्रॉपर्टी से उस नेसेसिटी सप्लायर का रिम्बर्समेंट करा सकता है, क्षतिपूर्ति करवा सकता है। ठीक है, यानी कि माइनर की प्रॉपर्टी से रिम्बर्स होगा, पॉसिबल नहीं। ठीक है, इस पर भी एक केस कुंवर लाल वर्सेज सूरजमल के केस में ये हेड किया गया है। उसमें हुआ क्या था कि एक लैंडलॉर्ड ने माइनर को घर रहने को दिया, ठीक है, उसका किराया जो आ रहा था उस लैंडलॉर्ड को, ये कोर्ट ने कहा कि माइनर के प्रॉपर्टी से आप किराया उसे ले लें और बच्चे को घर में रहने दिया जाए, ठीक है, क्योंकि रहने की व्यवस्था की गई थी, नेसेसिटीज था, सप्लाई किया गया था, इसलिए जो सप्लायर है उसको बच्चे की प्रॉपर्टी से रिम्बर्स कराई गई। ठीक, नेक्स्ट है सर्विसेज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वर्ड, यानी कि माइनर के साथ सर्विसेज संबंधित कोई और कॉन्ट्रैक्ट की जाती है तो वो भी वर्ड मानी जाएगी। जैसे भले ही याद रखिएगा कि यानी कि कोई भी ऐसा संविदा है जिसमें माइनर को काम करना था, उससे संबंधित कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो खुद करे या माइनर के गार्जियन के द्वारा किया गया हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वर्ड होगा। एक केस है राजा रानी वर्सेस प्रेम आदिव। राजा रानी माइनर का नाम है और प्रेम आदिव जो डायरेक्टर है, इन्होंने कॉन्टेक्ट किया राजा रानी के पिता से, माँ से, कि बच्चे को फिल्म में एक्टिंग कराने के लिए कॉन्टेक्ट किया। ठीक है, अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर बच्चा मना कर देता है कि हम एक्टिंग नहीं करेंगे और कॉन्टेक्ट उनके माँ के माध्यम से हो जाता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम माइनर को बात नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि सर्विसेज रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वर्ड, चाहे वो खुद माइनर ने किया हो या माइनर के बिहाफ पे उनके गार्जियन ने किया हो, चाहे माँ हो या पिता हो। दूसरे एक्ट से देखते हैं, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में सेक्शन 26 में दिया हुआ है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में माइनर के पास ऐसा कोई अधिकार आ जाता है, और माइनर जो है, कहा गया है सेक्शन 26 में कि माइनर जो है वो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, चाहे वो बिल ऑफ एक्सचेंज हो, प्रॉमिसरी हो, चेक हो, उसको ड्रॉ कर सकता है, इंडोर्स कर सकता है और नेगोशिएट कर सकता है।
तीनों काम कर सकते हैं। ठीक, तो ड्रॉ, एंडोर्स या नेगोशिएशन किसी भी प्रॉमिसरी नोट का या बिल एक्सचेंज या चेक का जो माइनर कर रहा है, इससे माइनर जो है वो बाइंड द अदर पर्सन एक्सेप्ट हिमसेल्फ, यानी माइनर उससे खुद नहीं बंधेगा लेकिन उससे जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो सारे के सारे बंधे जाएंगे, दे विल बी लायबल। ठीक है, माइनर को यहाँ पर प्रोटेक्शन मिला हुआ है। और लास्ट है, माइनर कैन बिकम अ पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 30 में दिया हुआ है कि हाँ, माइनर कैन बिकम अ पार्टनर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ द फर्म फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप के हित में और सभी पार्टनर के सहमति से एक माइनर को भी शामिल किया जाता है पार्टनर के पार्टनर के तौर पर। लेकिन एक बार और कहिए, सेक्शन 30 के में आपके जो अपवाद एक्सेप्शंस में कहा गया है कि माइनर भले ही पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए ज्वाइन करा दिया जाए, लेकिन माइनर किसी भी एक्ट के लिए जो फॉर्म की गई है थर्ड पार्टी के खिलाफ वो लायबल नहीं होगा। याद रखिएगा, भले ही माइनर ज्वाइन कर लिया गया ऐसे पार्टनर फॉर बेनिफिट पार्टनरशिप, लेकिन बट ही शैल और सी शैल नॉट बी लायबल पर्सनली फॉर एनी एक्ट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा कि माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हो, स्पेसिफिक लीव एक्ट में हो, नेगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हो, पार्टनरशिप में हो, या किसी भी एक्ट में क्यों ना हुआ हो, अगर माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट की गई है तब तो उसे इन्फोर्स कराया ही जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर माइनर ने और माइनर ने अपना पार्ट कंक्लूड कर दिया है तो अदर पर्सन को इस बात का डिफेंस नहीं मिलेगा कि वो सिंस कॉन्ट्रैक्ट माइनोरिटी की गई थी इसलिए वॉट एवर इश्यू है और वो अपना पार्ट करने को बाध्य नहीं है, ये नहीं होगा। यानी माइनर के बेनिफिट के लिए माइनर ने अपना एप्लीकेशन कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, और माइनर के हेल्प से किसी का कॉन्ट्रैक्ट में वैलिडिटी आ रही है या किसी फॉर्म का हो, चाहे नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट का हो, तो उसमें माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल। ठीक, व्यक्तिगत रूप से लायबल नहीं होगा, भले कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, वॉट नहीं होगा चलेगा, लेकिन पर्सनली लायबल नहीं होगा। जो भी लायबिलिटी आएगी वो माइनर की प्रॉपर्टी पर आएगी, पार्टनरशिप में भी यही होगा। ठीक है, माइनर विल नॉट बी लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फॉर्म, लेकिन अगर कोई लायबिलिटी अगर आती है थर्ड पार्टी के द्वारा फॉर्म के ऊपर तो माइनर की प्रॉपर्टी लायबल होगी, बट माइनर पर्सनली शैल नॉट बी लायबल। ठीक है भैया, तो ये है हमारे वीडियो का सब्जेक्ट में कि व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ माइनर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एज सच कॉन्ट्रैक्ट इज ऑन माइनर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भैया, दैट्स इट। अगले वीडियो पे हम नेटवर्क के साथ आपसे प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।